this, I hope you believe that I try. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बजट राइडिंग जैकेट्स काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में हैं एंड हर एक कंपनी अंडर 5 के राइडिंग गेयर्स लॉन्च कर रही है। तो रायनॉक्स और सोलेस के जैकेट्स अंडर 5 के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जैसे रायनॉक्स का आपको साइफर मॉडल हो गया, सोलेस का थ्रिफ्ट सीरीज़ हो गया, या एग्जोर का भी जो मॉडल है अपना वो अभी वैसे ही। स्काला भी लॉन्च करी है एक जैकेट अंडर 5 के, एंड उसी के साथ साथ इन कंपटीशन डीएसजी ने भी लॉन्च किया अपना मैश जैकेट अंडर 5 के। तो अब डीएसजी का जैकेट आज अपने पास है जो नया लॉन्च हुआ है। ये रहा इसका लुक, तो काफ़ी बढ़िया लुक में है। प्लस एक रीडिफाइंड लोगो आपको पीछे मिल जाता है डीएसजी का, जो कि काफ़ी स्पोर्टियर है। काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग लुक है इस जैकेट का। एंड अंडर 5 के जैसे मैंने बोला तो 4950 की रेंज में आपको जैकेट मिल जाता है। एंड काफ़ी अच्छा जैकेट है, अगर आप देखेंगे कॉलर में नियोस्प्रिन मटेरियल भी लगा हुआ है, एंड प्रोटेक्शन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको इसमें शोल्डर एल्बो बैक में लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। लेवल 2 के सेम फ्लेक्सॉन प्रोटेक्टर्स मिलेंगे जो आपको रहते हैं डीएसजी के बाकी मॉडल्स में। तो जो इनके 12,000 वाले मॉडल में जो प्रोटेक्शन आ रहा है वही सेम प्रोटेक्टर्स आपको इसमें मिल जाएगा लेवल 2 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेवल 2 की आपको प्रोटेक्शन की लोगो मिल जाएगा, एंड डीएसजी के फ्लेक्सॉन प्रोटेक्टर्स है ये। तो प्रोटेक्टर्स अपने में ही काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी सॉफ्ट प्रोटेक्टर्स रहते हैं। इंपैक्ट सेंसिंग रहते हैं तो इंपैक्ट होने पे हार्ड हो जाते हैं। तो यही आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी सेम। तो शोल्डर एल्बो एंड बैक और लेवल 2 हो गया ये जैकेट। प्राइस रेंज 4950 हो गई। चेस्ट प्रोटेक्टर्स रेडी है बट चेस्ट प्रोटेक्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। चेस्ट प्रोटेक्टर आपको लेना है तो आप अलग से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बी एट एनी ब्रांड। वो आपको 750-7000 के रेंज में लेवल 2 के चेस्ट प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे। डीएसजी का भी लेंगे तो अराउंड 750-800 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। तो ये हो गया आपको बेसिक जैकेट का ओवरव्यू। अब आइए इसकी डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल पर आ जाते हैं। तो 600D का मटेरियल है एंड कॉमन है 600D का मटेरियल, तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस 3D मैश पैनलिंग है तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेटेड जैकेट है। यहाँ पे आप पूरा मैश की यूज़ देख सकते हैं। एक दो चीज़ें अच्छी रखी हुई हैं जैकेट में, जैसे कि ऊपर के लिए यहाँ पे बंद करने के लिए, नहीं तो जिप टेंट टू नीचे जाता है अपने आप, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बंद किया हुआ है। एक ये अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखी। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कवरिंग दी हुई है फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो उससे क्या है कि एक अच्छा लुक भी आ जाता है, प्लस आपकी ज़िप जो है नीचे से एक अच्छा एंड टू एंड कवरेज आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा नॉर्मली आपको वही सब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे टाइट करने के लिए यहाँ पे वेलक्रोज हैं, तीनों वेलक्रोज मिल जाएंगे। प्लस दोनों साइड पे आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगे फॉर स्टोरेज। नॉर्मल पॉकेट्स हैं, वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट नहीं है ये, जस्ट नॉर्मल एक आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे। अंदर की साइड पे आप देख सकते हैं ये रहा आपको चेस्ट प्रोटेक्टर के लिए स्पेस दिया हुआ है। लेवल 2 के आपको बैक प्रोटेक्टर मिल जाते हैं, इसमें इंसर्टेड नहीं है अभी बट वो आपको साथ में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएसजी की ब्रांडिंग, प्राउडली मेड इन इंडिया मॉडल है ये अपना, एंड सब सी लेवल 2 प्रोटेक्शन है। नियोस्प्रिन मटेरियल का यूज़ किया हुआ है जैसे मैंने पहले बताया। वॉशिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑल सब दी हुई है जैकेट में ऑलरेडी। एक चीज़ इस पर मिसिंग है जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जैकेट को अटैच करने के लिए कोई जिपर प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये एज एन इंडिविजुअल जैकेट है, थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने, इस पर अटैचमेंट नहीं दी है। बट एज अ बेसिक राइडिंग जैकेट अगर आप सिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। पीछे के साइड पर भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैश पैनलिंग की गई है। यहाँ पर भी आपको एक रिफ्लेक्टिव पाइपिंग दिख जाएगी काफ़ी लंबी, एंड ये नया प्यारा लोगो जो है डीएसजी का वो भी आपको दिख जाएगा। बाकी वेस्ट में भी एडजस्टमेंट स्ट्रैप्स मिल जाएगा, एंड बेसिकली अंडर 5K में अच्छा जैकेट है ये। आप कंपेयर कर सकते हैं विथ ऑल द मॉडल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड 4950 की रेंज में आपको अच्छे प्रोटेक्टर्स भी मिल जा रहे हैं, एंड बेसिक एक सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छा जैकेट मिल जाता है।
बाकी लुक्स के लिए अगर देखना है तो मैं एक बार आपको पहन के भी दिखा देता हूँ इसका फिटिंग एंड ऑल कैसा रहेगा। तो जैकेट का लुक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको रेडिश ऑरेंज जो पाइपिंग दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, वो आपको नियॉन में भी आती है। एंड आप पीछे से भी लुक देख सकते हैं, DSG का लोगो काफ़ी अच्छे से आपको दिख जाएगा। ऑल रिफ्लेक्टिव जैकेट है, मेश जैकेट है, तो काफ़ी ही अच्छा है एंड कम्फर्टेबल फिट जैकेट है। साइज़ विच आई एम वेयरिंग इज़ XL, तो यूजुअली मेरे को XL साइज़ आ जाता है अगर आपको स्नग फिट पसंद है तो। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल या एकदम स्लिम मतलब ढीला ढाला फिट पसंद है, जो कि जैकेट में रहना नहीं चाहिए, जैकेट शुड बी फिटिंग में स्नग फिट, नहीं तो आपके आर्मर्स टेंड टू स्लाइड डाउन। जैसे इस पर आप अगर मेरे आर्मर्स आप देखेंगे तो यहाँ से इन जनरल आर्मर्स अगर मैं फोल्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, प्लस इट एक्सटेंड्स अप टू हियर, तो आर्मर की लेंथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बल्ज टाइप का, तो इतने बड़ा लेंथ आपको पूरा कवर कर रहा है एंड जो मेजर पार्ट है मेरा वो कवर्ड है। प्लस यहाँ के लिए अगर आप देखेंगे तो आर्मर्स मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड यहाँ तक जाते हैं, तो इसके आर्मर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं साइज़ में एंड काफ़ी अच्छा आपको कवरेज एरिया प्रोवाइड मिल जाता है। चेस्ट प्रोटेक्टर्स इसमें अभी नहीं लगे हुए हैं, अगर आपको इंस्टॉल करना है आप अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी साइजेस इसमें स्मॉल से 2XL तक आते हैं, अपने पास भी अभी स्टॉक आया हुआ है काफ़ी कुछ का, तो किसी को भी चाहिए है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरीज मिल जाएंगी। बाकी होप करता हूँ आपको वीडियो से कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड कुछ नया जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।